फारूक अब्दुल्ला ने चीन की मदद से धारा 370 दोबारा लागू करने की बात कही तो फारूक पूरे देश भर में राजनेताओं के निशाने पर आ गए हैं। एक तरफ चीन जहां भारत को लगातार ललकार रहा है, वहीं फारूक का बयान कई बड़े सवाल खड़े करता है। ऐसे में अब इस मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फारूक पर हमला करते हुए विज ने कहा कि यह देशद्रोह की बात फारूक के मुँह से बार बार निकलती है और उनके साथ जो करना चाहिए उसकी उन्हें पूरी उम्मीद है सरकार करेगी। कह रहे हैं कि चाइना की मदद से जो है 370 जो है वो दोबारा लगवा देंगे। देखिए, ये तो देशद्रोह की बात उनके मुंह से बार बार निकलती है और उनके साथ जो करना चाहिए मुझे उम्मीद है कि सरकार जरूर करेगी। इसको कश्मीरी पार्टियों ने मीटिंग में बुलाई है। नहीं, देखिए, किसी भी प्रकार से देश में देश की खिलाफ आवाज़ को उठने नहीं दिया जाएगा। चाइना हमारा दुश्मन है और आप कह रहे हो चाइना की मदद लेने की बात कर रहे हो आप, तो इससे बड़ी तो देशद्रोह की बात कोई हो नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी प्रकार की अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहें यस टीवी।